नमस्कार फ्रेंड, मुझ चंद्रशेखर ओडिशा ऑनलाइन सेवार आपको स्वागत करुच्ची आज एक नुआ वीडियो को। फ्रेंड्स, आपण जदि ऑनलाइन माध्यम रे काहा को पैसा ट्रांसफर करचंती बा फंड ट्रांसफर करचंती तबे आपण को ऑनलाइन ले फंड ट्रांसफर करिया पई तीनोटी मेथड अछि। गुटी हैला एनईएफटी, आ गुटी हैला आरटीजीएस एंड आई गुटी होची आईएमपीएस। ठीक अछि, तीनोटी मेथड अछि। तबे एनईएफटी कोन, आरटीजीएस कोन एंड आईएमपीएस कोन, से विषय रे आज हमें डिस्कस करबा। ता सहित मध्य एनईएफटी आरटीजीएस एंड आईएमपीएस को क्यों समय रे यूज करबा से विषय रे मध्य डिस्कस करबा। तबे वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, ता सहित हम चैनल को मध्य सब्सक्राइब कर दियंतु, आ पाखर देखा जतुवा बेल आइकन को दबे दियंतु, जहा द्वारा कि हमें वीडियो अपलोड करले आपण सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पाई परिबे। तबे ऑनलाइन बैंकिंग बा ऑनलाइन फंड ट्रांसफर आपणकर थ्री वे होता है। तो फास्ट हूँ मोबाइल बैंकिंग, सेकेंड नेट बैंकिंग, थर्ड थ्रू द बैंक। ठीक अच्छे, मोबाइल बैंकिंग माध्यम रे आपण फंड ट्रांसफर करें, नेट बैंकिंग माध्यम रे आपण फंड ट्रांसफर करें थ्रू द बैंक। जदि आपण को बैंक को आपण सब डिटेल देवे, बैंक मध्य आपणकर फंड ट्रांसफर करिपार। तेणुक जदि आपण आपणक ओन बैंक रु अदर बैंक को धरने जाओ, आपणकर ओन बैंक एसबीआई, तो आप अदर बैंक को ट्रांसफर करेंगे एसबीआई रु एक्सिस बैंक हो कि आईडीएफसी हो कि आपणकर एचडीएफसी हो, तो आप जब अदर बैंक को ट्रांसफर करेंगे मनी, आपणकर सर्वप्रथम आईएफसी कोड दरकार कर। ठीक अच्छे, सो आपणकर जो बैंक को फंड ट्रांसफर करेंगे से ही बैंक अकाउंट नंबर आईएफसी कोड बेनिफिशियरी नेम हेले आपण इजिली फंड ट्रांसफर करें। तो एबे आमे जानिबा एनईएफटी कोड, एनईएफटी रो फीचर कोन रहिछि, एनईएफटी माध्यम रे आबे किभली भाबे ट्रांजेक्शन करि परिबा। एनईएफटी होउछि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तार टाइमिंग रहउछि 8 AM टू 6:30 PM। जदि एनईएफटी माध्यम रे आपण ट्रांजेक्शन करिवे तबे आपणकु सकाळो 8:00 रु संध्या 6:30 पर्यंत आपण ट्रांजेक्शन करि परिबे। तार अमाउंट लिमिट केते रहउछि ना, अमाउंट लिमिट रहउछि मिनिमम अमाउंट टू जीरो, मैक्सिमम अमाउंट रहउछि 25 लाख। तो आपण अति कम रे 1 टंका करि परिबे, मिनिमम अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट अप टू 25 लाख। मिनिमम अमाउंट तार किछि नै, आपण जते इच्छा मिनिमम अमाउंट सते करि परिबे एनईएफटी रे, किंतु मैक्सिमम रहउछि 25 लाख। कारण एबे सब बैंक रे एनईएफटी अवेलेबल हे सारछि। तापरे आपणकर रहिछि फास्ट 24 आवर्स अप टू रुपीज 50,000 ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आपण जोन रजिस्ट्रेशन करिवे ऑनलाइन बैंकिंग पई, तो आपण सेम डे रे तो एनईएफटी आपणकर 50,000 पर्यंत आपण ट्रांजेक्शन करि परिबे, तो अधिक करि परिबे नाही। चार्जेस डिपेंड्स ऑन बैंक, फॉर एग्जांपल 2.50 टंका रु 25 टंका पर्यंत आपणकर रहिछि, विथ ता सहित जीएसटी मध्य रहिछि। ठीक अछि, चार्जेस डिपेंड्स ऑन बैंक, तो आपणकर बैंक उपरे डिपेंड करछि को बैंक रो 2.50 टंका अछि, तो को बैंक रे आपणकर 10 टंका भी अछि, को बैंक रे 5 टंका भी अछि। तेणु करी बैंक उपरे आपणकर डिपेंड करछि। तापर रहिछि फंड ट्रांसफर सेम डे इन आवरली फ्रॉम 9 AM टू 7 PM। ठीक अछि, तो आपणकर जो फंड ट्रांसफर रहिछि, तो आपण फंड ट्रांसफर केबे होइ परबो ना सेम डे रे, सेही दिन आपणकर जत टंका आपण होची ट्रांसफर करथिबे आपणकर सेतिक टंका आपणकर ट्रांसफर हे जिवो। तो ये थिला आपणकर एनईएफटी। एबे जानिबा आरटीजीएस कोन। तबे आरटीजीएस होची आपणकर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम मतलब आपण बुझी पडतबे, रियल टाइम मतलब आपणकर सेम टाइम रे आपणकर मनी ट्रांसफर हे जिवो, सेटलमेंट हे जिवो। ठीक अछि, तो संगे संगे आपणकर इंस्टेंटली जोडा कहंती आपणकर फंड ट्रांसफर हेबो। तार टाइमिंग कोन रहउची आपणकर 8 AM टू 4 PM तार टाइमिंग रहउची। तो अमाउंट लिमिट केते रहउची आपणकर, तो मिनिमम अमाउंट रहउची 2 लाख, तो मैक्सिमम अमाउंट रहउची 25 लाख, मिनिमम अमाउंट 2 लाख। जदि आपणकर 2 लाख तळ को आपण होची ट्रांजेक्शन करिया पई चाहउजंती, तबे 2 लाख टंका तळ को ट्रांजेक्शन करि पारिबे नाही। तो मिनिमम ट्रांजेक्शन रहउची 2 लाख एंड मैक्सिमम 25 लाख, 25 रु अबव करि पारिबे नाही। तो चार्जेस कोन रहउची 25 टंका रु 50 टंका, 25 to ₹50 रहउची, डिपेंड्स ऑन बैंक। तो अलग अलग बैंक रे आपणकर अलग अलग चार्जेस मध्य रहउची बाय यूजिंग अकाउंट नंबर एंड आईएफसी कोड। ठीक अछि, यूजिंग कोन आपणकर अकाउंट नंबर आ आईएफसी कोड आपणकर यूज करी आपणकर आरटीजीएस आपण करि पारे। तबे आपण जदि इंस्टेंटली फंड ट्रांसफर करिया पई चाहउचंती, तबे आपण आरटीजीएस यूज करी आपणकर 25 लाख पर्यंत फंड ट्रांसफर करि पारिबे। तबे ये थिला आरटीजीएस। एबे जानिबा आईएमपीएस कोन। आईएमपीएस होछि आपणकर इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो आपण जदि इंस्टेंटली फंड ट्रांसफर करचंती, आईएमपीएस मध्य आपणको बहुत हेल्प करिवो। तबे टाइमिंग रहउछि आर कोन रहउछि 24 into 7। तो आईएमपीएस रो आपणकर
किछि नै आपणकर प्रत्येक दिन 24 घंटा का टाइम रहउछि जेकोणसी समय रे आपण मध्य आईएमपीएस माध्यम रे फंड ट्रांसफर करि परिबे तार मिनिमम अमाउंट केते रहउछि मिनिमम अमाउंट रहउछि 0 मैक्सिमम अमाउंट रहउछि 2 लाख अप टू ₹50,000 विदिन 24 आवर्स ऑफ बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन तो आपणकर रजिस्ट्रेशन रो 24 घंटा भितरे आपणकर केते ट्रांजेक्शन हे परिबो ना अप टू ₹50,000 अधिक बेसी रे बा अति बेसी रे आपण 50,000 पर्यंत ट्रांजेक्शन करें चार्जेस ऑफ ₹25 डिपेंड्स ऑन बैंक तो आपणकर बैंक उपरे डिपेंड करछ आपणकर केते चार्जेस लागबो तो आपणकर अप टू ₹25 टंका पर्यंत आपणकर चार्जेस लागबो इंस्टेंट फंड ट्रांसफर यस तो आपणकर इंस्टेंट फंड ट्रांसफर पई मु आगर कोइ सारछि मध्य इमीडिएट पेमेंट सर्विस ठीक अछि तो कौन कौन डिटेल्स दरकार आपणकर यूजिंग अकाउंट नंबर एंड आईएफसी कोड सेकेंड रोचे आपणकर यूजिंग मोबाइल नंबर एंड मोबाइल मनी आइडेंटिफायर जोटा कि आपणकर MMID यूजिंग आधार नंबर तो जदि आपण 2 लाख टंका भितरे आपण मनी ट्रांसफर करिया पई चाहुचंती ऑनलाइन माध्यम रे तबे आपणकु आईएमपीएस मेथड चूज करबा ठीक हेबो तो ये थिला ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लो तीनोटी मेथड आईएमपीएस एनईएफटी एंड आरटीजीएस आशा करछि वीडियो टी आपन को भलो लागितबो जदि वीडियो टी भलो लागिछि तबे वीडियो गोटे लाइक करंतु आ हम सहित जुड़ी रहबा पई एबे ही हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ पाख देखा जाउ तो बेल आइकन को दबाई दंतु कारण आमे जबे भी एही सब रिलेटेड वीडियो अपलोड करबो आपन सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन पाई परिबे धन्यवाद जय हिंद।